नमस्कार मेरे भाई और बहनों, आज हमारे पास एक प्रॉब्लम आई है। अगर आपकी व्हाट्सअप डिलीट हो गई या फिर अनइंस्टॉल हो गई या फिर आपने व्हाट्सअप रिमूव कर दी, आपकी जो चैट डिलीट हुई है या फोटो डिलीट हुए हैं या फिर ऑडियो डिलीट हुई है, अगर आप उसको रिकवर करना चाहते हैं तो कैसे आप रिकवर कर सकते हैं, कैसे ये सब कुछ पॉसिबल है, आज की वीडियो के अंदर उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई एक सिंगल मैसेज डिलीट हो गया 4-5 दिन पहले या 6-7 दिन पहले डिलीट हो गया और आपने कोई बैकअप नहीं ले रखा, तो आप कैसे उस मैसेज को वापस लेके आ सकते हैं, ऑडियो को, वीडियो को, फोटो को, तो ऊपर आई बटन पे यहाँ पे ओके करके दूसरी वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा किसी भी मेरे भाई को, किसी मेरी बहन को फ़ोन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं आपका भाई आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करे, आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे अपनी प्रॉब्लम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जाके बता सकते हैं। आपका भाई पूरी कोशिश करेगा आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की। अभी हम आज की जो प्रॉब्लम है उसका क्या सलूशन है वो देख लेते हैं। अगर आप चैट वापस लेके आना चाहते हैं, फ़ोटो वापस लेके आना चाहते हैं, वीडियो वापस लेके आना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर आपको 2 स्टेप बताऊंगा, आपको उनको फॉलो करना है आपको, ठीक है। पहला जो स्टेप है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका फ़ोन का फाइल मैनेजर ओपन करना है, इंटरनल मेमोरी, ठीक है। और उसके अंदर काफ़ी सारे फ़ोनों के अंदर क्या होता है कि जब हम फाइल मैनेजर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है इमेज, ऑडियो, वीडियो, व्हाट्सअप पे नीचे लिखा होता है, ठीक है। तो काफ़ी मेरे भाई वहाँ पे ओके करते हैं और वहाँ पे जाके चेक करते हैं, तो उस व्हाट्सअप का जो निशान दिया हुआ है उसके ऊपर ओके नहीं करना। नीचे देखिएगा आप, नीचे लिखा मिलेगा आपको इंटरनल मेमोरी, वहाँ पे ओके करना है। वहाँ पे ओके करने के बाद में आपको व्हाट्सअप फोल्डर के अंदर जाना है। व्हाट्सअप फोल्डर के अंदर डेटाबेस की एक फोल्डर दिखाई देगा आपको, वहाँ पे आपको चेक करना है कि आपकी कोई फाइल है या नहीं। अगर आपने व्हाट्सअप डिलीट कर दी, रिमूव कर दी या फिर अनइंस्टॉल की आपने, अगर आपकी फ़ाइल यहाँ पे है तो उस फाइल से आपकी चैट कैसे आएगी, उसकी वीडियो मैंने बना रखी है आई बटन पे, यहाँ पे ओके करके उस वीडियो को देख के आप वापस लेके आ सकते हैं। अगर आपकी फ़ाइल यहाँ पे नहीं है तो क्या करना है, नेक्स्ट दूसरा स्टेप क्या है वो देख लीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको आपके फ़ोन के अंदर गूगल ड्राइव को ओपन करना है। गूगल ड्राइव ओपन करोगे तो एक साइड में आपकी प्रोफाइल दिखाई देगी और एक साइड में 3 लाइन दिखाई देगी। 3 लाइन के ऊपर ओके करोगे तो यहाँ पे बैकअप का ऑप्शन मिलेगा, आपको बैकअप पे ओके करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आपका नंबर, जो व्हाट्सअप का नंबर है वो दिखाई देगा आपको, और साथ में नीचे डेट दिखाई देगी, लास्ट किस डेट में आपका बैकअप हुआ है, ठीक है। तो अगर आपका बैकअप यहाँ पे है तो आपकी चैट वापस आ जाएगी। किस तरह से वापस आएगी उसकी वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आई बटन में यहाँ पे ओके करके दूसरी वीडियो को देख सकते हैं, पूरा प्रोसेस मैंने बता रखा है। अगर आपकी फ़ाइल यहाँ पे है तो ही आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो 2 स्टेप मैंने बताए हैं, अगर दोनों स्टेप के अंदर यहाँ पे भी आपकी बैकअप नहीं है और आपके फाइल मैनेजर के अंदर भी बैकअप नहीं है, तो आप चाहे YouTube पे कितनी भी वीडियो देख लो, आपकी चैट वापस नहीं आएगी। आप टाइम वेस्ट मत कीजिए सर्च करके कि मेरी चैट वापस कैसे लेके आऊँ बिना बैकअप के। बिना बैकअप के किस तरह से आती है, डेटाबेस फोल्डर के अंदर से आती है, और बैकअप क्या होता है, गूगल ड्राइव के अंदर जो बैकअप होता है वो वाला बैकअप, ठीक है, जो जीमेल पे हमारा सेव होता है। तो यही तरीके हैं चैट वापस लेके आने के, इसके अलावा कोई भी और ऑप्शन नहीं है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है आप मेरे साथ में शेयर करना चाहते हैं, जल्दी से जाके फेसबुक इंस्टाग्राम पे जाके मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई प्रॉब्लम को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।